wir lernen dann P1 und P2. P1, P2. P2. Also P2 तो present perfect होता है. Present perfect आपको already पता है. इसके अलावा yes, और भी होता है वो करेंगे आज. P2 is present perfect. That's right. So how means the verb zum Beispiel kochen becomes in P2 gekocht. Machen becomes gemacht. Okay. Gefahren. Lernen. Gelernt. Helfen, geholfen. Weinen. Geweint. Means. Rona. To cry. Yeah. Tanzen. Getanzt. Getanzt. Okay. So, कोई भी दे सकते हो आप एक्सप्रेशन बट ब्लेबन गब्लेबन गिनाओ. सो दास इज डन वेयर और दास इज वेयर स्वाई या पार्टिसिप स्वाई या पार्टिसिप स्वाई. सो पार्टिसिप स्वाई ऑल द पार्टिसिप स्वाई आर आल्सो एडजेक्टिव. ऑल दिस you can use participle swai also as adjective. Yeah. And you can use verb also as noun. Noun. Yeah. But if you want to use a verb as a noun, then you have to write it capital. And article will be always das. Yes, neuter. Yeah. Das kochen. Das kochen. Das kochen. Das machen. नाउन अक्षर दस पारन दास ही लगेगा हमेशा दास होगा. दस लर्नन दस वाइनन दस तांसन. अब आपने बोला कि सर ये दास ही होगा क्या, तो अंकित सोच रहे हो ये दास क्यों होगा, इसको देर कर दो सर. भाई मेरे हाथ में नहीं है, कर चुके हैं वो ऑलरेडी. तुमको क्यों होगा नहीं सोचना है, तुमको सोचना है अच्छा दास होगा, ऐसे सोचना है हर बार. ये तो फिर इजी होगा तभी इजी होगा. मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, फिर दास लगा दो. बिल्कुल टीचर्स लोग हमसे बताया जब हम आगे बढ़ते हैं तो बताए पहले से क्या हो गया जबान हुआ उसके बाद उसके फायदे हुए. ऐसे ही सही पहले फायदे नहीं हुआ पहले जबान हुआ. गिनाओ पहले बोली गई है भाषा हमेशा पहले बोली गई है एक्चुअली. कि पहले अपने भारत में भी बहुत सारे जितने भी ये वेद वगैरह हैं ये क्या लिखे हुए थोड़े थे, पंडित लोग ब्राह्मण लोग आगे से आगे रटवा देते थे. लिखने का तो बहुत बाद में आया ना, हजारों हजार साल तक उनको रटवाते ही गए आगे से आगे. हाँ और पहले 5-7-10 साल बच्चा रटता था श्लोक वो करके आगे से आगे पहुंच गए वो. तो पहले बोलना ही आती है भाषा, तो फिर उसमें से ग्रामर के रूल निकाल लेते हैं. अच्छा ये कोई रूल थोड़ी बनते हैं, पहले जो बन गई उसमें से छांट लेते हैं अच्छा ये रूल है. सो नाउन ऑन ऐसे ही एडजेक्टिव्स मींस पेज स्वाई इज आल्सो एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव है तो फिर एडजेक्टिव एंडनोन की भी बात आएगी. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पेज स्वाई एज एडजेक्टिव. But I have also written here P1. What is P1? So verb. Das ist Nomen. Aber wenn Sie ein Verb zum Beispiel kochen, machen, lernen, weinen,
sagen, fahren, tanzen. Wenn Sie ein Verb nehmen und am Ende de schreiben, dann ist das auch Adjektiv. Und wenn Sie P2 vom direkt schreiben, das ist auch Adjektiv. वर्ब से नाउन तो बनता ही है, वर्ब से एडजेक्टिव भी बनता है। तो एडजेक्टिव भी दो तरह से कैसे बनते हैं भाई? पे स्वाई है वो भी एडजेक्टिव है, और पे आइंस, दिस इज कॉल्ड पे स्वाई एडजेक्टिव, पे स्वाई एंड दिस इज कॉल्ड पे आइंस। पे आइंस किसी भी वर्ब के लास्ट में डी लगा के उसको एडजेक्टिव बनाना, और वो तो बना हुआ ही है। But there is also difference. This is in present and this is present perfect form. फर्क है ना दोनों में? ये verb का present form है, ये verb का present perfect form है। तो adjective में भी दो तरह का होता है मामला। जैसे मान लो कोई बोले pay आइंस, उसको बोलते हैं वो खाते हुए जा रहा है। खाते हुए मतलब अभी खा रहा है, हंसते हुए बोलता है, हंसते हुए बोलना वो है पे आइंस है। रोते हुए दस दस के कौन इशाबे दारु बन होई ते गना या इशाबे ना तुम्हें या ये शो या इशाबे दस गजे हैं या फोल्गेंडेल टाइप से फोल्गेंडेल गिनाओ Folgende. Das ist eigentlich P1. Ich habe das darüber gedacht. Folgen is the verb and if you add D, it becomes adjective. Yeah. So suppose if I say the Babu is coming, Babu child. Das Kind kommt. Das ist. And just das Kind kommt. Das Kind kommt means the child is coming. Now if I say weinend, das Kind kommt. Yeah. Weinend ka koi meaning nahi hai. Yahan pe weinend ka koi meaning nahi hai. We need adjective. So yeah, weinend. Yeah, crying. Crying. The rote baby aaya. Is coming. Yeah. Crying. Matlab rote hue aa raha hai. Aaya nahi. I आ रहा है वहाँ पे। Okay, present. Come, present की बात हो रही है ना यहाँ पे इसलिए। Why end? Sir ये ये भी वो है adjective में इसी को पेशवाई बोलते हैं। No, इसको पेशवाई नहीं बोलते, इसको payings बोलते हैं। Sorry, payings. Payings मतलब verb में d चिपका के current सिचुएशन बताना, एडजेक्टिव बताना। इसको डी लगाने से ही वो एडजेक्टिव बन गया, और अगर इसके आगे एंडिंग भी आएगा, अगर उसके बाद में नाउन आ गया तो। सपोज दस किंड कॉम्ड वाइनेंड, अगर मैं बोलूं द क्राइंग बेबी इज कमिंग, एक तो मैं बोल रहा हूं बच्चा आ रहा है रोते हुए, अगर मैं बोलूं रोता हुआ बच्चा आ रहा है या वाइनेंडर वाइनेंडस या Das weinende Kind. Das weinende Kind. Das weinende. Why weinende? Because the table is der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den, plus n. पिस्टोल रावखन दिया ए ए ए और हियर ए एन ए एन नोमिनेटिव एक्यूजेटिव डेटिव मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल सो इफ आई से दस वाइनेंड किंड कॉम्ड दस
Weinend, this is adjective. But if I am writing Kind, so it is necessary that you add adjective endung. So thus, Weinend Kind, kommt. So E क्यों आया यहाँ पे? Because this is subject und neutral. Yes. Subject neutral. So thus Weinend के साथ E लगेगा. This is adjective ending only. Thus Weinend Kind kommt. रोता हुआ बच्चा आ रहा है. The laughing. Lachende. Die lachende Frau. Lachende. Lachende die lachende. Lachen ka lachend. Tanzen ka tanzend. Die lachende Frau tanzt. Die lachende. Lachende. Frau. Tanz. Frau. Tanz. Tanzt. हंसती हुई औरत नाच रही है. हंसती हुई नाच रही है. Die lachende Frau. ओके. Das baby spielt singend. Das baby spielt Zingend. Spielt zingend. खेल रहा है गाते हुए. खेल सकता है ना गाते हुए कोई बंदा. वो तो नहाते हुए गा रहा है. लोग तो हाथों में गाते हैं ना नहाते हुए. Der Mann. Der Mann. Bad it. Zingend. नहीं गाते हुए नहा रहा है. गाते हुए जिंगेंड और गा रहा है नहाते हुए. तो कर दो डेर मान जिंट बाडेंड. हंसते हुए बोल रहा है. हंसते हुए बोल रहा है तो बोल रहा है ना. तो डेर मान. डेर मान कर क्या रहा है? बोल रहा है. डेर मान स्प्रिश्ट क्या करते हुए? हंसते हुए. हंसते हुए लाखन. या गाते हुए एसेंट. एसेंट हो जाएगा. गाते हुए एसेंट. कितनी प्यारी है ना जर्मन लैंग्वेज. टेंशन तो नहीं है. जब हम कुछ दिखते हैं ना हमको वो हम सोचे वो या गलती है या सच है या गलती है सही है या ठीक है या गलती गलत हमको वो सोच रहेगा. अगर वो ठीक हो तो भी आपको लॉजिक समझ आ रहा है ना. यस सर. सो और नॉट हियर पेज स्वाई का क्या मतलब हुआ? जब बैठ सकते हो वो ही बन गया. पेज स्वाई का मतलब जैसे मान लो उबले हुए अंडे. कोखनीज. कोखन मतलब टू कुक. या टू कुक बॉइल भी होता है उसका मतलब. या बॉइल भी होता है कुक भी होता है. दस वाटर कॉक्ड का मतलब है द वाटर इज बॉइलिंग. तो मुझे उबले हुए अंडे दो. तो उबले हुए अंडे मांगोगे तो बिना उबले थोड़ी दे देगा. उबले हुए देगा ना. सो गेकॉक्ट है आयर. कोखन का गेकॉक्ट. गेकॉक्ट है आयर. इसका मतलब है इन अंडों की पहचान ही तो आई है. गेकॉक्ट है. कोखन मतलब टू कुक और टू बॉयल. गेकॉक्ट का मतलब उबले हुए. वो एज ए एडजेक्टिव भी यूज करते हैं. अब ऐसे मत समझ लेना आप आज से कहने लग जाओ कि जहां भी पेज स्वाई आ रहा है हर जगह बोल दो ये एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव है. हर जगह मत बोल देना. हाबन और जाइन के साथ पेज स्वाई आ रहा है तो वो पेज स्वाई फॉर्म ही है. काम हो चुका है वाला है और ये होया हुआ. If you add the, then it will be en because there are three tables. If you remember,
दिस इज फॉर डेफिनेट बट देर इज ऑल्सो इनडेफिनेट एंड ओन आर्टिकल आई एम यूजिंग हियर ओन आर्टिकल उबले हुए अंडे इफ यू से दीज बॉइल्ड एग्स देन इट विल बी दी गिगोक्टन आयर देन इट विल बी डेफिनेट Yes, Sam ke against Shoare de Clorention, yeah. The Gekochten Eier. Eier. The Gekochten Eier. The Gekochten Eier. Yeah. Ona article. Here, ona article plural, and here bestimmt. Bestimmt article. Yeah, bestimmt plural. Okay, so... Gewandte, gewandte Frau means रोई हुई लेडी रोई हुई कैसे जैसे मान लो यहाँ पे कबड्डी का खेल खेल चल रहा है एक तरफ बच्चे बैठे हैं कुछ बच्चे वो हैं जो खेल चुके हैं और कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं तो खेल चुके हैं वो अलग तरह के बच्चे हो गए है तो वैसे ही लेकिन स्पिरिट हो जाएगा फिर वो स्पिरिट है और इधर स्पिलेंडर जो अभी खेल रहे हैं उनको तो पेरेंट्स से बोलेंगे ना हम लोग yes, sir. जो काम अभी हो रहा है और जो खेल चुके हैं उसको पेट्सवाई से बनाएंगे दोनों ही एडजेक्टिव है बट इस वाले में काम हो चुका है और इसमें काम हो रहा है सो स्पिलेंडर वो बच्चा कहां है जो रो रहा था ये है वो रोया हुआ बच्चा अब नहीं रो रहा वो रो रहा था जो पहले रो रहा था रोया हुआ उसका चेहरा देख के लगता है ये रोया हुआ है तुम कहते हो रोया नहीं दास गिवेंट है किन दास गिवेंट किन सो गिवेंट तो अपने आप में एडजेक्टिव था पेचवाई एंड दिस एंडिंग इज बिकॉज देर इज नाउन आफ्टरवर्ड्स एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में नाउन आएगा तो एंडिंग लगेगी ही लगेगी एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में नाउन आएगा तो लगेगी लगेगी इधर शुरू में नहीं लगाया था क्योंकि उसके बाद में और कुछ नहीं है इसलिए नहीं लगाया सो दस गिवाइंड किंड मतलब रोया हुआ बच्चा और वाइनेंड स्किन वो बच्चा जो अभी रो रहा है सो वाइनेंड 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 में भी देखो ये वाइनेंट था ना यहां पे नहीं लगा एडजेक्टिव के एंडिंग नहीं लगा क्योंकि इसके बाद में नाउन नहीं है बट अगर मुझे बोलना है वाइनेंडस किंड अगर किंड लगाना है इसके बाद तो वाइनेंट के आगे ये सोर लगेगा ये कैसे लगेगा भाई ये वो आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी नहीं रखो तो नहीं रखो तो कोई बात नहीं फिर कर नहीं पाओगे आप बस टेबल तो लर्न करनी पड़ती है सो क्या है वो टेबल आइन सर आपको वो अलग बोर्ड में लिख सकते हैं हाँ अलग दूसरा पेज में भी लिख सकते हैं दूसरे टेबल दूसरे पेज में लिखूं ओके तो हम तो या जी सर लास्ट रोडेश आउट डन डन कामिश आउट डन सेंडिशन कंक्लूशन Okay, the unless white table, Kamish Thier Stiven. Zir Gerle. So, yeah. Dann muss es alle drei schreiben. Alle drei und der, die, das, die, der, die, den, den die, die, das, der, die, der, 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 den und einen. Eine, ein so ist das Nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral und plural. Ohne Artikel. So funktioniert es gut. Und das sind ja... Ah,
Hartmann Pistole. In Pistole gibt es hier Kugel, ne? E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N. Nominative, accusative, dative. Masculine, feminine, non-dative. Und hier hat man dann E-R-E, E-S, E-N-E, E-S, E-N-E-N-E-N. Das ist dann nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral. So funktioniert es dann besser. Jetzt kann man auch noch jetzt schreiben. Okay? So ist dann hier auch was. E-N und ein Schuhe. Zigarre vielleicht, weiß es nicht, was das ist, aber ja. Wir können dann noch jetzt schreiben. Ich treffe Bruder. Okay. Mit meiner. Ich treffe oder ich sehe mit dem mit kommenden Mann. Hm? Ich treffe mich mit dem kommenden Mann. Mit dem kommenden. Wo hat er jo aa raha hai na? उससे इस जे है डेन गेहेंडन मान डेन गेहेंडन वो जा रहा है ना वो उस आदमी को तो ये गेहेंड आप वर्ब मत समझ जाना दिस इज एडजेक्टिव गेहेंड एंड देन ईएन क्यों बिकॉज अकुजेटिव या अकुजेटिव मैं उबला हुआ अंडा ला रहा हूं सो इज इट पे आइंस और पे स्वाई पे आइंस पे स्वाई पे स्वाई उबला हुआ ना उबला हुआ है वो किसी ने उबाल दिया उसको उबला हुआ अभी थोड़ी उबल रहा है ये उबलता हुआ अंडा हां उबलता हुआ अंडा तो उसमें पे आइंस है अभी उबल रहा वही दो मुझे तो गर्मा गर्म सो मुझे मैं उबलते हुए अंडे को पकड़ूंगा ले रहा हूं सो एश इस ऐसे ओके इस उबलता हुआ इस ऐसे इस नेम में दस कोहन दस कोहन डेन कोहन डे आई इस नेम में इस ऐसे दस कोहन डे आई उबलता हुआ खा रहा हूँ मैं तो या और मैं तो भाई उबलता हुआ नहीं खा रहा मैं तो उबला हुआ खा रहा हूँ इस ऐसे Das B. Das I, das I. Das kochte I. I gekochte. Is. Esse das gekochte I. Ab koi bole ye anda ubla hua hai. Das I is gekocht. Dono mein ubla hua hai na anda. Ek mein ubal raha hai abhi. Ek mein ubal raha hai. Ubalta hua abhi ubal hi raha hai. Mujhe to ubalta hua hai. Do seedhe hi do mujhe to. Mummy kehti hai sikte sikte khale. So, ये अभी उबल रहा है इसमें देखो अभी भी निकल रही है लपटे ये अभी उबल रहा है उबलता हुआ निकाला ये ले और ये उबला हुआ है हो सकता है ठंडा ही हो गया हो लेकिन है उबला हुआ ना फर्क है दोनों में सो ये आपको समझना पड़ेगा दिस इज पे आइंस एंड दिस इज पेज स्वाई पे आइंस और पेज स्वाई बोथ आर एडजेक्टिव एंड दोनों ही वर्ब से निकाले हुए एडजेक्टिव है वर्ब से बने हैं एडजेक्टिव दोनों एक एक में एक्शन अभी है अभी काम हो रहा है एक में काम हो चुका है पे आइंस में काम हो रहा है यस एक गर्म हो चुका बस तानसेंड है कोखेंड है लाखेंड है मुझे स्माइल करता हुआ बच्चा दिख रहा है राइट
लेसलेन होता है, लेसलेन दे दस लेसलेन दे किंग ओके क्ला दी लखेंडे दी लखेंडन होगा प्लूरल है तो दी लखेंडन स्टूडेंटन दी लखेंडन स्टूडेंटन दी लखेंडन स्टूडेंटन ये कौन सा है पे आइंस है कि पे चुआई है पे आइंस मतलब अभी हंस रहे हैं ना स्टूडेंट यस सर ओके हंसता हुआ स्टूडेंट यस सर वो आप पे ही हंस रहे हैं अरे कोई बात नहीं दी लखेंडन स्टूडेंटन सो पे आइंस और पे चुआई बस इतना ही है खेल इसका यू हैव टू लर्न एडजेक्टिव एंड देन एडजेक्टिव एंडिंग एंड देन पे आइंस और पे चुआई पहले हमने एडजेक्टिव किए थे फिर एडजेक्टिव एंडिंग की और आज मुझे पता चल गया कि आप थोड़े और बड़े हो चुके हो सो देन सुजामन स्पीलन वी हैव मेट गुड